आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं मिल रहा मुझे इंसाफ, बिल्कुल। मेरा पति आराम से रह रहा, बच्चों को लेके अपनी अम्मा भोजाई में पड़ा हुआ है। क्या मेरी इतनी भी सुनवाई नहीं हो रही कि उसको सजा मिलनी चाहिए? तीन तलाक को कानून बने अभी कुछ ही घंटे बीते कि हाथरस से ट्रिपल तलाक का मामला सामने आ गया। पुलिस और कैमरे के सामने बिलख रही ये महिला तीन तलाक से पीड़ित है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई और अब इंसाफ के लिए ये महिला हाथरस के महिला थाने के चक्कर लगा रही है। हाँ, रहना चाहती हूँ उनके साथ, लेकिन अब वो तलाक मुझसे जबरदस्ती, मैं उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ। उसने ऐसा मेरा दो नंबरी का काम करके, 420 का काम करके उसने ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ दिया? 8 साल हो गई शादी को, और अब आके 8 साल बाद तलाक दिया उसने मुझे। महिला को उसके पति ने फोन के जरिए 3 बार तलाक बोलकर अलग हो गया। इतना ही नहीं, एक माँ से उसके बच्चे को भी छीन कर चला गया। तीन तलाक कानून को सरकार ने सितंबर 2018 से भले ही प्रभावी किया हो, लेकिन समाज अब भी तीन तलाक की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और इसे तोड़ने के लिए कानून तो बन गया है, लेकिन लोगों की सोच कब बदलेगी? हाथरस से राम प्रकाश आजाद के साथ अनु सिंह की रिपोर्ट।